फ्रेंड्स, मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप बल्क सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने हजारों लाखों कस्टमर को वन क्लिक में मैसेज सेंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट्सएप बल्क सॉफ्टवेयर। सो देख सकते हैं कि ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैं अपने कस्टमर्स को बल्क मैसेज सेंड करता हूँ, और आप भी कैसे करोगे उसको समझने के लिए फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। अगर वीडियो वॉच नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, तो अगर आपको थोड़ा भी पॉइंट्स स्किप करें तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मेरा टाइम वेस्ट करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं कि कैसे बल्क मैसेज अपने कस्टमर को सेंड करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे आप कस्टमाइज करके अपने कस्टमर को मैसेज सेंड करोगे, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे इस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है स्कैन व्हाट्सएप। दैट मींस आपको जिस भी नंबर से बल्क मैसेज सेंड करना है उस नंबर से आपको स्कैन कर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको स्कैन पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैन पहले ही कर रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप का बारकोड शो होगा, आपको उसको सिंपली स्कैन कर लेना है जिस नंबर से आपको मैसेज सेंड करना है। ठीक है, तो मैंने स्कैन कर लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन का मतलब क्या होता है कि आप एक कैंपेन सेंड करो, एक कैंपेन में आपको हजारों नंबर्स आप रख सकते हो। ठीक है, और दूसरे कैंपेन में भी आप हजारों नंबर्स रख सकते हो। अगर आपके एक कैंपेन में 1000 नंबर्स है और उस कैंपेन को आप सेंड कर रहे हो, आप चाहते हो कि उसी समय दूसरे तीसरे कैंपेन भी चलने चाहिए, तो दूसरे तीसरे कैंपेन को भी आप ऐड करके एक साथ मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नंबर्स फिल्टर। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटा अवेलेबल है एक्सेल फाइल में, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो कि कौन सा डेटा व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक है और कौन सा लिंक नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है वो रिसीव मैसेज। आप जो बल्क मैसेज सेंड करोगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि कितने लोगों ने मैसेज रिसीव किया है, कितने लोगों ने रिप्लाई किया है, सारा यहाँ पे आपको डिटेल शो होगा। उससे आपको आसानी होगी कि किस किस लोगों को आपको टारगेट करना है, किस लोगों को आपको फॉलोअप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सेंड कैंपेन्स का। दैट मीन्स मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ कैंपेन बनाना, कितने कैंपेन को आप सेंड किए हो सारा डिटेल आपको शो होगा कि किस डेट को कितने कैंपेन आप सेंड किए, सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है ऑटो रिप्लाई का। दैट मीन्स आपको इस सॉफ्टवेयर में ऑटो रिप्लाई का भी फीचर्स अवेलेबल है कि आप ऑटो रिप्लाई आपको सेट करना होगा। आपका जो भी सर्विस है उस सर्विस के अकॉर्डिंग आपको ऑटो रिप्लाई सबसे पहले सेट करना होगा। उसके बाद जब आप मैसेज सेंड करोगे, आपके कस्टमर कुछ रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ से ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रुप ड्राइवर का। आपके व्हाट्सएप अकाउंट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं, बाद बाकी कोई भी मेंबर्स ग्रुप के मैसेज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप उस ग्रुप के डेटा भी एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके, और आपको बल्क मैसेज सेंड कर सकते हो। ये सारे फीचर्स अवेलेबल है इस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बल्क सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बल्क मैसेज सेंड करोगे। बल्क मैसेज सेंड करने के फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ है क्लिक टू इंपोर्ट व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप नंबर को इंपोर्ट करना है। तो मैं इस मल्टीमीडिया बटन पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो है जिस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हो। तो देख सकते हैं सबसे पहले जो इंपोर्ट फाइल का, फाइल इंपोर्ट करके आप मैसेज सेंड कर सकते हो, मैनुअल इंपोर्ट्स करके सेंड कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जितने भी डेटा सारे को आप इंपोर्ट करके आप उसको भी मैसेज कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी डेटा इंपोर्ट करके उसको भी मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंसर्ट कंट्री कोड। अगर आप इंडिया के हैं तो ठीक है, अगर अदर कंट्री के हैं तो आपको सबसे पहले कंट्री कोड इंसर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैसेज जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, जिस जिस
को आपने मैसेज सेंड कर दिया, आप चाहते हैं कि वो डेटा मैं सेव करके रखूं कि इस चीज़ को मैसेज चला गया, तो आप यहां से एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको यहां पे बहुत सारे डेटा सोर है उसको आप चाहते हैं कि क्लियर करें या दैट मीन्स डिलीट करना, तो आप यहां से क्लियर भी कर सकते हो, ये सारा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, मैं आप यहाँ पर मैनुअल इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा, मेरे जितने भी डाटा हज़ारों लाखों डेटा है तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। अगर फाइल इम्पोर्ट नहीं हो रहा है तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डेटा ले आता हूँ, फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 19 टोटल डेटा पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। डेटा लाने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, मैसेज रेडी करना होगा कि इस सारे डेटा पे क्या मैसेज जाना चाहिए। मैसेज का बॉक्स ये सो रहा है जहाँ से आप मैसेज रेडी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके जान पहचान के डेटा है तो आप उसके नेम से भी सेंड कर सकते हो मैसेज, अगर जान पहचान के नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके नंबर से ही सेंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, डेटा मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ पे मुझे वेरिएबल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कि अगर आप नेम सब में डाल दिए तो नेम का वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे कॉलम्स में अलग अलग नेम्स होंगे, तो यहाँ वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो जिस भी डेटा के सामने जो भी नेम है उस डेटा को वही मैसेज जाएगा, उसी नेम से मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई नेम नहीं है, तो मैं ओनली एंड ओनली नंबर को सिलेक्ट करूँगा। तो नेम के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है नंबर का, तो मैसेज रेडी करते समय सबसे पहले मुझे वेरिएबल सेलेक्ट करने होंगे। वेरिएबल फ्रेंड सेलेक्ट नहीं करोगे तो मैसेज नहीं जाएगा, मैसेज जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, और देख सकते हैं इंसर्ट फुल नेम, इंसर्ट फर्स्ट नेम, इंसर्ट लास्ट नेम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने कोई भी नेम नहीं रखा है, किसी का नेम नहीं दिया, तो मैं नेम सेलेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद इंसर्ट वेरिएबल पर क्लिक करूँगा, तो वेरिएबल पर देखिए नेम के बाद जो फर्स्ट है तो फर्स्ट कॉलम नंबर को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। वेरिएबल सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको जो भी आपको मैसेज सेंड करना है मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे टाइप करना है आर यू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मेरा जो भी मैसेज था मैंने टाइप कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इमेज भी सेंड करना है तो इमेज या कोई फाइल सेंड करना है तो आप देख सकते हैं अटैच फाइल्स एंड फोटोज़, तो आपको यहाँ फिर से इस मल्टीमीडिया ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं फोटोज़ डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी आपको सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और मेरा जो भी फ़ोटो मैंने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है अपने कस्टमर को बल्क मैसेज के रूप में सेंड करने के लिए, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये है तो मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज भी आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, डेटा लाना रहता है। डेटा लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना, मैनुअल इंपोर्ट करके या फाइल इंपोर्ट कर लेना, डेटा लाना, ठीक है। डेटा लाने के बाद आपको मैसेज रेडी करना पड़ेगा। मैसेज रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल सेलेक्ट करना रहेगा, उसके बाद जो भी मैसेज आपको टाइप करना है मैसेज टाइप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप सेंड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सेफ मोड और सेकेंड है ब्लाइंड मोड। दैट मीन्स हम अच्छा से इसको देखते हैं। सेफ मोड का मतलब ब्लॉक रिस्क लो, दैट मीन्स अगर कोई आपको ब्लॉक करेगा तो आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, तो आपको ऐसा ही ऑप्शन चूज करना है ताकि आप किसी को अनवांटेड मैसेज सेंड कर रहे हैं, अगर वो चाहता है कि ब्लॉक हो फिर से मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए तो ब्लॉक कर देगा, तो व्हाट्सएप भी क्या करेगा आपका नंबर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आपको सेफ मोड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मैं सेफ मोड सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा आपको कुछ भी नहीं करना है, देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक सारे नंबर पे मैसेज चले जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स है जिसमें रेड क्रॉस है, कुछ है जिसमें ब्लू टिक है। ये ऐसा है फ्रेंड्स, ये डेटा ऐसा है जिस डेटा से व्हाट्सएप अकाउंट लिंक नहीं है, और जिस डेटा से व्हाट्सएप अकाउंट लिंक होगा उसमें देख सकते हैं ब्लू टिक है। फ्रेंड्स, इस व्हाट्सएप से आप 100% एक्यूरेसी मैसेज सेंड कर सकते हो अगर उस डेटा से व्हाट्सएप अकाउंट लिंक है। तो आप देख सकते हैं मैंने जितने भी नंबर्स सेलेक्ट किए थे सारे नंबर्स पे ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। अभी क्या करना है, देखिए योर बल्क हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, ठीक है, इतने डेट और इतने टाइम को सेलेक्ट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।